मोली मिकू क्रिएशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों को मैं पढ़ाने जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और किसी दिन मैं नहीं जा पाती हूँ तो ये लोग बहुत इंतजार करते हैं, तो मुझे रोज ही जाना पड़ता है वहां पर। छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं जो कि आगे पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अपनी खुशी इनके साथ शेयर करी। फ्रेंड्स, गत्ते की गोल कटिंग करके पिंपॉम लेस और पिंपॉम चिपका के मैंने थैंक्स बनाया, तो देखिए थोड़े से मैं कितना फेल गया घर। लेकिन अपन को यदि करना है तो अपन को फटाफट समेटना भी पड़ेगा, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से 5 मिनट में फटाफट घर समेटा, और देखिए। हेलो फ्रेंड्स, राम राम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे 2 साल की यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ मैं जो अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है उसके बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से बच्चों का करियर संवारा। तो बच्चों के करियर में एक माँ का बहुत ही योगदान होता है। तो फ्रेंड्स, हम आए थे कोटा बच्ची बड़ी वाली बच्ची की 12वीं पास करवा के, उसके बाद हमने यहाँ किराए का मकान लिया। तो मेरे जो चुनमुन अभी 11वीं क्लास में है ये बहुत छोटी थी, तो उस समय बहुत दिक्कत आती थी 18-35 के किराए के मकान में। उसके लिए 3 महीने अलग से हमने किराए का कमरा लिया, और मैं उसको खाना देने जाती थी, दूध देने जाती थी। तो फ्रेंड्स, यही है कि बच्चों का करियर संवारने में मम्मी का बहुत बड़ा योगदान होता है, और हमें अपना यूट्यूब और जो फैमिली है उसमें कैसे मैनेज करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब की जर्नी शुरू होती है मेरे बीएड करने के साथ। बीएड की फाइल डाली थी बीएड वाले बच्चों की हेल्प के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे वीडियो डालते गए, और उसी के बाद मेरा बर्थडे आया था। तो मैंने ये जो थैंक्स है ये बनाया था फर्स्ट बार अपने व्यूअर्स के लिए, कि आप लोगों ने मुझे थैंक यू बोला है तो मैंने आपके लिए बनाया है। और ये रात को मैंने 4 बजे बैठ के बनाया था, मौली भी मेरे साथ जग रही थी। इसके बाद आई छोटी वाली बेटी की बारी। बड़ी वाली बेटी का सिलेक्शन हो चुका था, चुनमुन इस टाइम तक थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, तो बाई लगवा ली थी हमने बर्तन के लिए। तो बाई आती तो उसको डिस्टर्ब होता, तो मैंने बाई हटवा दी और बिल्कुल भी बिना डिस्टर्बेंस से उसके काम करती थी। इस तरह से उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स, बस मैं ये बता रही हूँ कि जो अपने यूट्यूब की जर्नी है और जो अपनी फैमिली है, इनको अपने को मैनेजमेंट करके रखना है। तो मेरे जब 1 के पूरे हुए थे तो मैंने ये बनाया था। और केक भी काटा था। तो फ्रेंड्स, जब मैं बीएड कर रही थी और वीडियो बनाती थी तो ये दोनों काम एक साथ होते थे, तो हस्बैंड बहुत चिढ़ते थे। तो जब वो शनिवार के दिन आते थे तो मैं अपनी किताबों को रख देती थी अंदर और वीडियो बनाना कर देती थी बंद। तो बस इस तरह से मैंने मैनेज किया है, इधर बच्चों का करियर बनाना और इधर अपना जो है यूट्यूब का सफर और मेरे बीएड का। तो बस ये सब साथ में चलते रहे थे। मैंने कैसे मैनेज किया है ये आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब दोनों बेटों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, एमटेक कर ली उन्होंने, एक ने सिविल में और एक ने इलेक्ट्रिकल में, तो फिर जॉब लगने की बारी आई। तो लोग बाग क्या है ना, नहीं लगती है तो कि अरे अभी तक लगी नहीं नौकरी, अभी तक लगी नहीं नौकरी। तो फ्रेंड्स, कभी भी लोगों की बातों में आकर बच्चों के दिल को हर्ट मत करना। हो सकता है उनमें और कोई अच्छी क्वालिटी हो तो वो ये नौकरी के लायक ना हो और अच्छी नौकरी के लायक हो, और यही मेरी बेटियों के साथ हुआ। देर से लगी लेकिन बहुत अच्छी नौकरी लगी। फ्रेंड्स, उसके बाद आया मोनेटाइज होने का वक्त।
तो मेरे मोनेटाइज में इतना टाइम लगा ना कि मैंने उस वाली वीडियो को टाइटल दिया ये 10 दिन मेरे 10 साल जैसे निकले। तो वास्तव में वो 10 दिन मेरे कैसे निकले आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। मोनो होने के बाद जो ये $10 तक का सफर है तो ये आप लोगों के हेल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए थैंक यू बनाया। तो मेरा बनाया हुआ थैंक्स आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। और ये मैंने आज ही बनाया है क्योंकि जो ये आया था एडसेंस पिन ये आया था 2 दिन पहले, तो मुझे वह टाइम नहीं मिला था, मैंने आज ही बनाया है। और अब आप लोगों को एडसेंस पिन दिखाती हूँ। ये देखिए एडसेंस पिन जो कि आप लोगों की मदद के बिना कभी नहीं आ सकता था। प्लीज फ्रेंड्स इसी तरह साथ बनाए रखिएगा। और एक बार और आप लोगों को थैंक यू वंस अगेन। ये वाला सूट लेके आए थे हस्बैंड और इसके नीचे है ये प्लाजो, और ये वाला भी हस्बैंड की तरफ से जो मैंने दिवाली पे पहना था। फ्रेंड्स ये वाला बड़ी बेटी ने दिलाया था, इसका लहंगा अभी थोड़ा सा कट होने गया लंबा था तो, और ये इसके ऊपर की चुन्नी है। और ये तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, करवा चौथ पे पहना था मैंने इसकी चुन्नी और ब्लाउज बस। तो ये वाला मेरे राखी के पैसों का है, दोनों भाइयों ने जो पैसे दिए थे उनका है। तो फ्रेंड्स बस मैं यही बता रही थी कि मैंने जो बेटियों के लिए किया था तो अब वो मेरे लिए कर रही है। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और वो पहले से पहले ऑर्डर कर देती है। तो फ्रेंड्स ये चैनल है मोली और मिक्कू का। तो मैंने जो शुरुआत करी थी उसमें 2 स्टेप तो कर लिए हैं पार, और अब आगे आप लोग साथ देंगे तो आगे भी स्टेप पार होती रहेगी। और बस यही है जिंदगी, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ओके दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं एक को नेक्स्ट वीडियो में। मोली बाय कर लो, बाय बाय मोह बेटा।